हेलो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम दिव्य उद्रामरित वटी का रिव्यू करेंगे। इसमें सबसे पहले हम आपको पैकिंग डिटेल्स के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, किस बीमारी में इसका प्रयोग किया जाता है, इसकी सेवन विधि क्या है और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में हम आपको इसके असली और नकली होने की पहचान भी बताएंगे, इसलिए इसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके की पैकिंग में आपको ये मिलेगा। इसमें यहाँ पे दिव्य उद्रामृत वटी ये लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ दिव्य फार्मेसी। 40 टैबलेट्स इसके अंदर आपको मिल जाएंगे और इसका प्राइस जो है 30 रुपीज़ है, 30 रुपये में आप इसको ख़रीद सकते हैं। यहाँ पे दिव्य फार्मेसी का एड्रेस, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी भी लिखा हुआ है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहाँ पर आप कॉल भी कर सकते हैं। इधर लिखा हुआ है, कीप इन ए कूल डार्क एंड ड्राई प्लेस, कीप कंटेनर टाइटली क्लोज आफ्टर यूज, ढक्कन को जो है यूज करने के बाद अच्छे से बंद कर देना टाइट। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी हैं। हम आपको बता दें कि अगर आप इसे ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हैं तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अभी जानते हैं कि इसमें कौन कौन से इन्ग्रीडियंट्स डले हुए हैं। इसमें जो है भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोय, चित्रक, आंवला, छोटी हरड़, बहेड़ा, सौंफ, कुटकी, अतीस, बेल, पुदीना, अजवाइन, गिलोय, लो भसम, मंडूर भसम, मुक्ता सुक्ति भसम, शंख भसम और कशिश भसम, ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है इसके अंदर डले हुए हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी जानते हैं कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, किस बीमारी में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग जो है पेट से संबंधित रोगों, जैसे कि पेट दर्द होना, मंदाग्नि, अतिसार, अजीर्णता जैसे रोगों में अत्यंत ही लाभकारी है। इसके अलावा यकृत रोगों जैसे कि पीलिया, खून की कमी, जीर्ण जबर, दस्त आदि में भी अत्यंत लाभकारी है। इसके सेवन से पूरा पाचन तंत्र मजबूत बनता है। दमा, जलोदर, विषाणुजनित संक्रमण, कृमि रोग व बवासीर आदि के लिए भी लाभकारी है। लीवर से संबंधित रोगों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अपच व भूख न लगन आदि के लिए भी यह लाभकारी औषधि है। इस औषधि का सेवन कब्ज व दस्त दोनों स्थितियों में किया जाता है। यह डॉक्टर ही बताएगा कि इसको जो है किस तरीके से सेवन करना है, इसलिए अगर आपको कोई भी समस्या होती है इस तरीके की तो डॉक्टर की सलाह से ही इसका सेवन करना चाहिए। सेवन विधि, 1 से 2 गोली दिन में 2 बार खाना खाने के बाद गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। प्रॉपर डोज के लिए डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। साइड इफ़ेक्ट्स, इसके शरीर पर क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ओवरडोज की वजह से उल्टी, दस्त, पेट में दर्द, सीने में दर्द, चक्कर आना, पानी की कमी होना शरीर में, खुजली, जी मिचलाना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। चलिए अभी हम आपको इसके असली और नकली होने की पहचान किस तरीके से करनी है वो बता देते हैं। ये आप यहाँ पे बारकोड देख रहे होंगे, यहाँ पे ये बारकोड है, आप इसको स्कैन करिए। स्कैन करने के बाद जो आपके पास एक नंबर आएगा वो नंबर इसमें दिए गए नंबर से मैच होना चाहिए। अगर ये दोनों नंबर सेम होते हैं तो इसका मतलब आप ये ओरिजिनल पीस खरीद रहे हैं। तो यही इसके असली और नकली होने की सबसे बड़ी पहचान है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।